नमस्कार, मैं शेफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर दुष्कर्मी हुआ फरार। कदमा फार्म एरिया में रिटायर्ड टाटा कर्मी के क्वार्टर में हुई चोरी, चोर लाखों रुपए के जेवरात लेकर हुए फरार। निम्ना बस्ती बम कांड का मामला पकड़ रहा तुल, तथा कथित अभियुक्त के परिजनों ने एसपी से मिलकर उलीडी पुलिस की शिकायत। दूसरे दिन भी शहर के सभी बैंक रहे बंद, जरूरतमंद लोग रहे बेहाल। खबरें अब विस्तार से। दूसरे दिन भी शहर में सभी बैंक कर्मी दो दिवसीय हड़ताल पर थे, आम लोग बेहाल रहे। बैंकों के निजीकरण करने का सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक अधिकारी व अन्य बैंक कर्मी 15 और 16 मार्च को सामूहिक हड़ताल पर रहे। शहर समेत देश में सभी बैंक दो दिनों से बंद थे। बैंकों का कारोबार पूरी तरह ठप रहा। हड़ताली बैंक कर्मी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दो दिवसीय बैंक हड़ताल के कारण आम लोग परेशान रहे। सीनियर बैंक मैनेजर कैनरा बैंक के मनुष कुमार सिंह ने बताया, केंद्र सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो आगे विरोध में पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़ के लेंगे, लड़ के लेंगे, लड़ के लेंगे, लड़ के लेंगे। हम जीतेंगे। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। अगर केंद्र सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो ये हड़ताल हम आगे भी जारी रखेंगे। ये तो शुरुआत किए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से निजीकरण का फैसला सरकार ले रही है, आगे की ओर हम लोग जैसे भी जो भी हम लोग सरकारी बैंक हैं, केंद्र सरकार की हर फैसला को स्वागत करते हैं और उसका पुरजोर हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इस तरह का जो हमारे हक के खिलाफ जो केंद्र सरकार निजीकरण को फैसला ले रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये तो दूसरा दिन है, लेकिन आगे भी अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। टेल्को पुलिस ने जेमको में एक घर पर छापा मार कर लगभग 3 किलो गांजा, खैनी और अन्य अवैध सामान बरामद कर एक अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया। इधर मामले के संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी नगर कुमार गौरव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, गुप्त सूचना के आधार पर जेमको में गौरव मिश्रा नामक व्यक्ति के किराएदार के घर पर पुलिस ने छापा मारा। तलाशी के दौरान 2 किलोग्राम गांजा, 10 किलो तंबाकू और अन्य सामान जब्त किए गए और अवैध कारोबारी मुरारी कुमार वर्णवाल को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में बर्मा माइंस थाना और बिरसा नगर में यह किया गया और कल टेल्को पुलिस को भी यह सूचना मिली कि जमको में कुछ व्यक्ति के द्वारा गांजा का भंडारण और एवं बिक्री किया जाता है। सूचना के वेरिफिकेशन के लिए टीम फॉर्म किया गया और रेड किया गया, जिसमें जमको में रहने वाले मुरारी बंडवाल के घर में रेड करने पर वहाँ पर गांजा बरामद हुआ, करीब 2 किलो 800 ग्राम। इसके साथ साथ तंबाकू, पान मसाला, गुटखा इत्यादि भी बरामद हुआ। इन सभी को जब्त करके मुरारी प्रसाद बनवाल को जेल में फॉरवर्ड किया जा रहा है। पहले से कुछ इसका रिकॉर्ड है आपराधिक? पूर्व में इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर विवाद रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले मुद्दे सामने आए हैं। जांच कमेटी 2 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट डीसी को सुपुर्द करने की तैयारी में जुटी है। बताया जाता है सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर विवाद की जांच के लिए एडीएम विधि व्यवस्था की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर डीसी ने जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिए हैं। इधर जांच समिति ने दोनों पत्रों के बयान दर्ज कर जांच निष्कर्ष रिपोर्ट डीसी को सौंपने की तैयारी में जुट गई है। संभवतः 2 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट डीसी को सौंप दी जाएगी।
विवाद के मद्देनजर सूर्य मंदिर पर ताला लगाकर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। कहा जाता है जांच रिपोर्ट में नई कमेटी के गठन करने का सुझाव दी गई है। स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और धर्मुम SDO को मुख्य संरक्षक, DTO को कमेटी का चेयरमैन, जमशेदपुर CO को पदेन सचिव, JNC के स्पेशल ऑफिसर को सदस्य बनाने के अलावे पुरानी कमेटी के सदस्य को नई कमेटी में बतौर सदस्य बनाने की सिफारिश की गई। वहीं जांच रिपोर्ट में सूर्य मंदिर का जमीन राज्य परिवहन निगम का बनाया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग और विधायक को एक ही स्थान पर विकास के नाम पर खर्च राशि की तकनीकी जांच की सिफारिश की जा रही है। वहीं बगैर सरकारी आदेश का पार्किंग बदलाव पर सवाल खड़ा किया है। जांच रिपोर्ट में जांच समिति ने कुछ अन्य मुद्दों पर रिपोर्ट में चर्चा की है। हालांकि जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिश के संबंध में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। सरायकेला खारसावा जिले के कपाली OP के अंतर्गत हासा डुगरी के समीप 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार, कपाली थाना मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि हासा डुगरी के 25 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में बच्ची को चॉकलेट का प्रलोभन देकर घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और युवक बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। फिलहाल स्थानीय नर्सिंग होम में बच्ची का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पीड़िता के पिता और मां आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह मामले की जांच करने कपाली नर्सिंग होम पहुंचे। कर रहे थे, घर से खबर आया कि ऐसा ऐसा बात हो गया, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल का बच्ची है। बस तो हम यही बोलना चाहते हैं, इसको हमको कार्रवाई चाहिए, सख्त से सख्त कड़ी से सजा दिया जाए। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, इसको सजा चाहिए। बच्ची का उम्र कितना? 6 साल उम्र। क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची खेल रही थी, उसको खुला फुसला कर ले के गया झाड़ी में, गलत किया उसका सर। कितना बजे का घटना है? 10 बजे। सरायकेला खारसावा जिला के बड़ा काकड़ा गांव में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक का टूटा पैर, दोनों घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया। सरायकेला थाना अंतर्गत बड़ा काकड़ा गांव एक अज्ञात मारुति कार की चपेट में आने से बाइक सवार लुपुंग गांव निवासी दोनों भाई सदाशिव महतो व रवि महतो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दोनों का राइट साइड के पैर की हड्डी भी टूट गई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों को उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु MGM जमशेदपुर रेफर कर दिया। घटना मंगलवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई एक ही बाइक पर चावल लेकर अपने गाँव लुपुंग से अपने रिश्तेदार के घर आदित्यपुर जा रहे थे कि इसी बीच बड़ा काकड़ा गाँव में कलिया डुंगरी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात मारुति कार ने उन्हें कुचलते हुए फरार हो गया, जिसमें बाइक सवार दोनों भाई का राइट साइड पैर का हड्डी टूट गया और बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करने में जुट गई। दोनों लुपुंग गाँव के रहने वाले? क्या क्या नाम हुआ दोनों का? सदाशिव महतो, रवि महतो। उम्र कितना होगा इसका? बड़ा ठुकर सदाशिव महतो का 22 और इसका 17। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड टांगर जोड़ा में ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं।
400 की आबादी एक नलकूप के भरोसे प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीण मजबूरन तालाब के पानी से ही गुजारा करते हैं। राजनगर प्रखंड के केंद्रमुंडी पंचायत अंतर्गत टांगर जोड़ा गांव में दिनों दिन लोगों को पेयजल की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर सरदार और कैवर्थ टोला में पेयजल की समस्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 100 से ज़्यादा परिवार और 400 की आबादी एक नलकूप के भरोसे सुबह 3 बजे से महिला लंबी कतार में लगकर परिवार की हलक को भिगोती है, जिसमें सोलर पंप तो लगा है परंतु केवल वह शोभा की वस्तु बनी हुई है। नलकूप से पानी भी रुक रुक कर निकलती है, जिस वजह से महिलाओं को घंटों तक इंतज़ार करनी पड़ती है। बोरिंग की गहराई मिट्टी धंसने से कम हो गई है और दूसरी जगह बोरिंग कराने के लिए अभी फंड भी नहीं है, लेकिन पीएचडी को इसकी जानकारी दी गई। पेयजल विभाग द्वारा किए गए सर्वे में एक नए बोरिंग की सहमति दी है, पर अधर में है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं को घंटों लाइन लगकर पानी लेना पड़ रहा है और कभी कभी मजबूरन तालाब का दूषित पानी का भी उपयोग करना पड़ रहा है। गर्मी की शुरुआत हो गई है, अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? देखना है कि कब तक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जनप्रतिनिधि या पेयजल विभाग द्वारा की जाती है। कि लगभग यहाँ पे 100 परिवार है और 100 परिवार में सिर्फ एक ही सोलर पंप है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रहा है। एक ही नल है और जो सोलर पंप था वो तो खराब पड़ा हुआ है और तब जाके ये तालाब का पानी से ही हम लोग निर्भर कर रहे हैं अभी वर्तमान में। जैसे मतलब हमारे गांव में जितने महिलाएं हैं, लगभग आपका क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं शाम के 4 बजे से इन लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है और रात का 10 बजे तक यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं थोड़ा सा पानी के लिए। क्यों है सर? जैसे यहाँ का सिस्टम, यहाँ का जो नल है, नल में उसका डिप कम है और यहाँ का सोलर भी खराब है। 10 बजे तक लाइन लगते पड़े जल जलने रात ले जल लेते सो। हाँ, रात 2 बजे ले। कैने रखो? कैने तो नलर बहुत असुविधा है, एक आधा इंच जल बोते हैं अंदर आधा घंटा लगते। हाँ तो एक तो चपाकल मैंने यहाँ पर बनाना चाहिए, अभी तो निकल भी रहा नहीं पानी। अच्छा, यहाँ तो सोलर पंप लगा हुआ है। सोलर पंप मेरा नहीं निकलता है, खराब हो गया। सोलर पंप खराब है? हाँ, खराब है, नहीं निकल रहा है पानी। कदमा फार्मेरिया में रिटायर्ड टाटा कर्मी के घर में चोर ने अलमारी तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है सोमवार को रिटायर्ड टाटा कर्मी रघुपति महाली पत्नी के साथ डोबा गए थे। वहां पर मकान बन रहा है, रात में पति पत्नी वापस लौटे तो क्वार्टर में घर का दरवाजा खुला मिला। चोर पीछे की दीवार फांद कर घर में घुसा और घर में रखी अलमारी तोड़कर चोर अलमारी में रखे सारे जेवरात चोरी कर चलता बना। बाद में इसकी जानकारी घर वालों ने कदमा थाना को दिया। घर की महिला पुष्पा महाली ने चोरी मामले की जानकारी दी। हम लोग जो आया ना उसी टाइम घर घुसा, घर घुसा तो देखा अलमारी तोड़ा हुआ था, मतलब खुला हुआ था। तो फिर देख रहा उधर ग्रिल भी खुला हुआ, तो हम बोला कोई चोरी उरी होगा शायद, तो देखा तो चोरी मतलब चोरी हो गया। क्या क्या चोरी हुआ है? यही सोना चांदी सब जितना था। हम लोग तो मतलब घर अपना घर है। हाँ, कहाँ पास है? नया पुलिया के उस पर दमाने है ना, दमाने के नीचे नया पुलिया बना उसका, उस पर घर है। परसुडी मगधपुर मुहर्रम अखाड़े का प्रतिनिधि मंडल अखाड़े का जमीन अतिक्रमण करने और चापाकल पर कब्जा करने की शिकायत जमशेदपुर सीओ और परसुडी थाना प्रभारी से की है। इधर मामले के संबंध में मगदमपुर इमाम आखड़ा के सदस्य एवं जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य मनुवर हुसैन ने बताया, इमामबाड़ा का जमीन पर स्थानीय कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तथा चापाकल पर कब्जा जमा लिए हैं। इसकी शिकायत जमशेदपुर सीओ और परसुडी थाना प्रभारी से की गई है। परसुडी थाना अंतर्गत मगदमपुर मुस्लिम बस्ती मोहर्रम अखाड़ा कमेटी नंबर 2 के
जो एरिया है वो झारखंड सरकार का स्थिति जमीन पे बना हुआ है, और ये कमेटी ये अखाड़ा बहुत काफ़ी पुराना है और हर साल इसमें हम लोग मुहर्रम खेलते हुए आते हैं और किसी का शादी ब्याह कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो जमीन। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059 और 9433111778। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान, द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेसियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, द ब्यूटी लेडीज स्पैंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर, 832110। फोन नंबर 6206054568, 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत, और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। सरायकेला कांडरा मुख्य मार्ग पर दुगनी में एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार युवती को पीछे से मारी टक्कर। घटना में दोनों घायल हो गए, इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं सूचना मिलते ही रोड एम्बुलेंस के मदद से दोनों को सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना सोमवार शाम 5 बजे के आसपास की है। घटना की मिली जानकारी के अनुसार रत्नी कोलाबीरा से साइकिल पर सवार होकर वापस अपने घर गोइरा लौट रही थी कि इसी बीच दुगनी में टाटा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें रत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। रत्नी को सर पर अधिक चोटें आई हैं, जबकि बाइक चालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं बाइक चालक ने बताया कि वह टाटा से वापस अपने घर चकदरपुर जा रहा था, इसी बीच यह दुर्घटना घट गई। वहीं मौके पर पहुंची सरायकेला पुलिस ने बाइक और साइकिल को जब्त कर लिया। उलीडी टिमना बस्ती बम विस्फोट कांड का मामला तुल पकड़ रहा है, तथा कथित दोषी शिवा कर्मकार पत्नी और बच्चों के साथ SP कार्यालय उलीडी थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा था। मंगलवार को शिवा कर्मकार पत्नी और बच्चों के साथ उलीडी थाने में की गई उसकी पिटाई की शिकायत SP से करने SP कार्यालय पहुंचा था। शिवा की पत्नी दुर्गा कर्मकार, जो शिक्षा निकेतन मध्य विद्यालय डिमना बस्ती में सहायक शिक्षिका है, ने बताया निर्दोष उसके पति को उलीडी थाना में बहरहमी से पिटाई की गई। पुलिसिया पिटाई का निशान उसके पति के पांव में है। पत्नी ने कहा यदि उसका पति दोषी है तो पुलिस उसे जेल भेज दे। दुर्गा कर्मकार ने उलीडी पुलिस पर घूस मांगने का गंभीर आरोप लगाई है। बस इतने ही मानते, इतने कहना है, अगर दोषी है तो जेल भेजिए, अदरवाइज हम लोग को परेशान मत कीजिए।
हम लोग का भी रेपुटेशन। मेरे हस्बैंड का नाम है शिवा कर्मकार और हम लोग डिमना बस्ती से आए हैं। मेरे पति को मारा गया है बेबुनियादी, इनके ऊपर गलत आरोप लगा करके इनको ऊपर केस ठोका जा रहा है, जो कि हम लोग इंसाफ लेने के लिए आए हैं, इंसाफ चाहते हैं हम लोग। पुलिस बार बार उठा करके इनको लेके जा रही है, परसों रात को रात भर मारा है, जबकि इनका कोई गलती नहीं है। अगर गलती है इनका तो इनको जेल भेजा जाए, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। रात को एक दिन आया और आकर के फ़ोन छीन करके लेकर के चल गया। जब हम लोग गए कि फ़ोन क्यों छीने, तो फिर हम लोग को कोई बात उन लोग नहीं बता रहे हैं। सर कौन था? उलीडी थाना का बड़ा बाबू। कहाँ रहते हैं? हम लोग डिमना बस्ती से। परसुडी थाना क्षेत्र से चार दिनों से लापता लड़की के परिवार वाले एसपी से मिलने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। बताया जाता है चार दिन पहले लड़की करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज से गायब हो गई। गायब होने के दिन से परिवार वाले लगातार लड़की की तलाश कर रहे हैं, लड़की का कोई अता पता नहीं चला। मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष विमल बैठा लड़की के परिवार वालों को लेकर एसपी से गुहार लगाने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। विमल ने मामले के संबंध में जानकारी दी। परसुडी का है और इसमें एक लड़की जो है बच्ची ये गायब हो गई है एलबीएसएम कॉलेज से। इसका नाम है मामूनी मुखी। कब से? ये लगभग 3 से 4 दिन हो गया है और अभी तक प्रशासन द्वारा अभी तक ये नहीं क्लियर किया जा रहा है कि बच्ची कहाँ है और कैसी स्थिति में है। और इनके जो गार्जियन है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को खोज रहे हैं। तो आज इन लोग थक हार के एसपी साहब के पास में आए हैं गुहार लगाने के लिए कि हमारी बच्ची कहाँ गई। बच्ची का मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बच्ची 22 साल की बच्ची है और इसे लगातार खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक इसके बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एसपी साहब से मिलकर कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। और जंगल में आग लगने के बाद अब वन माफिया जंगल में जली हुई लकड़ी की कटाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले कलिया बेड़ा के आसपास अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल में आग लगा दी गई, जिसमें कई कीमती पेड़ और वनस्पतियां जल गए थे, वहीं कुछ जीव जंतु भी मर गए थे। वहीं अब वन माफिया द्वारा चोरी छुपके जली हुई पेड़ों की लकड़ी कटाई भी शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जली हुई पेड़ों की कटाई किया गया। वहीं अब वन विभाग को चाहिए कि जंगलों की रक्षा करते हुए जंगल जलाने वाले लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि हमारा जंगल हरा भरा रहे। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं का प्रतिनिधि मंडल डीसी को ज्ञापन सौंपकर बकाये वेतन और जनगणना कार्य का मानदेय राशि जल्द भुगतान करने की मांग की है। मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रतिनिधि मंडल डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपी। ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों के संबंध में आंगनबाड़ी सेविका ने बताया, इस महंगाई में 7,000 रुपये महीने मानदेय राशि मिलती है, वह भी नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। उन्होंने जानकारी दी, जनगणना का काम आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराए जाते हैं, परंतु भत्ता भुगतान करने में टाल मटोल की नीति अख्तियार की जा रही है। बच्चे की हत्या कर शव को छिपाने के मामले में पुलिस ने सौतेली माँ और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पोटका पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि कालिकापुर मतकम डी में खजूर पेड़ के नीचे बोरा में बंद एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। मामले पर पोटका पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव की जांच की गई तो पता चला कि मार्शल सोरेन की पत्नी का कुछ महीने पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद मार्शल सोरेन द्वारा 2 माह पूर्व दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, जिसके बाद लगातार सौतेली माँ कर्मी सोरेन द्वारा लगातार मार्शल सोरेन पर बच्चे को मारने का षड्यंत्र रच रही थी।
इस बीच शुक्रवार की शाम को 7 वर्षीय पुत्र शंकर सोरेन का गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को बोरा में बंद कर फेंक दिया गया था। इसी निशानदेही पर पोटका पुलिस द्वारा जब अलग अलग सौतेली माँ एवं पिता से पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में मार्शल सोरेन ने बताया कि मेरी पत्नी द्वारा लगातार पुत्र की हत्या का दबाव बना रही थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस के समक्ष सौतेली माँ एवं पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुटका पुलिस मामले पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सौतेली माँ कर्मी सोरेन एवं पिता मार्शल सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंतर्गत मतकम डी में कल हम लोग को सूचना मिली कि एक बच्चा का लाश खेत में पड़ा हुआ है। उस सूचना का लोक में हम लोग सत्यापन हेतु यहाँ से प्रस्थान करने बाद ग्रामीणों द्वारा पता चला कि वो मार्शल सोरेन का पुत्र है। कड़ाई से पूछताछ करने पश्चात मार्शल सोरेन और उसकी वाइफ कर्मी सोरेन के द्वारा बताया गया कि हम दोनों के द्वारा ही अपने बच्चे को गला घोट के मार दिया गया है। तो अब लाश को सर क्या किया? लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लगातार कार्रवाई की। थर्ड जेंडर की उत्थान संस्था के बैनर तले किन्नरों ने डीसी से भेंट कर मांग पत्र सौंपा। संस्था के सचिव अमरजीत सिंह ने बताया किन्नरों के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। डीसी को सौंपी गई मांग पत्र में सामुदायिक भवन बनाकर देने के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। हमारे झारखंड जमशेदपुर में पुलिस सिंह ने हमारे समुदाय की संख्या 2000 के आसपास, लेकिन एक भी शौचालय हमारे समुदाय के लिए किसी भी स्थान पर नहीं। तो पहले हम यहाँ पे आए हैं अपने समुदाय के लिए शौचालय की मांग करने के लिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे समुदाय के लिए सामुदायिक भवन हो जिसमें हम अपने समुदाय के लिए कार्य कर सके, उसको आगे लेके जा सके। और हमारी तीसरी मांग है कि जिला स्तर एक मीटिंग का गठन किया जाए जिस बैठक में हमें रखा। एक एक पेपर पकड़ लो। अमरजीत सिंह और मैं आपके समुदाय की सचिव हूँ और अपने समुदाय के लिए कार्य कर क्या मांग को लेकर किससे मिलना है? आज हम डीसी सर से मिलने हैं। हमने कई बार जेनेसी को पत्र दिए कि हमारे समुदाय के लिए सामुदायिक भवन हमारे झारखंड जमशेदपुर में होना चाहिए जिसमें हम अपने समुदाय के लिए कार्य कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने समुदाय को लेकर के बातें कर सके, उनके उन्नति के लिए कुछ कार्य कर सके। तो यही आज हमारी एक मांग है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आसियाना चौक के पास स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में स्थानीय युवक को पकड़कर बांध दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचित की गई और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। स्थानीय सालडी बस्ती में विगत कुछ दिनों से लगातार घरों में चोरी की घटनाएँ घटित हो रही हैं जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में बीते देर रात पोलता गोराई नामक महिला के घर भी चोरी की घटना घटित हुई। देर रात महिला ने जब अपने घर अलमीरा को खुला पाया और देखा कि अलमीरा में रखे कुछ जेवरात और नगद गायब, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी युवक को पकड़ा गया। लोगों द्वारा पकड़े गए युवक का नाम मोनू है। लोगों की तत्परता से टली मॉब लिंचिंग की घटना, चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को स्थानीय लोगों ने घंटों बांध कर रखा। हालांकि इस दौरान किसी ने भी युवक पर प्रहार नहीं किया। मेरा घर में सर, दो तल्ला पे था। राहुलवा भी था सर, राहुलवा पकड़ाया ना। घर में रात 2 बजे सर, इसका घर भी था, घर में नहीं था। जेले जेले जे। जब मेरे को आभास निकला ना और रूम में था तो आभास हुआ तो मेरा सीढ़ी से कोई भाग रहा था तो मेरा हस्बैंड को उठाया तो मेरा हस्बैंड देखा इधर उधर कहीं नहीं मिला। फिर बस्ती में सब दौड़ा रहा ना दौड़ दौड़ के तो फिर देख रहा मेरा दूसरा रूम घुस के देख रहा मेरा मोबाइल नहीं है, गोदरेज खुला हुआ था, उसमें कपड़ा गिरा हुआ था, सब चीज बिखरा हुआ था। फिर मेरा बेटे बोलता मेरा मोबाइल नहीं है। जब बस्ती वाला दौड़ा रहा चोर को
तो चोर को पकड़ा तो उसका पॉकेट से मेरा दो मोबाइल निकला और बाकी पर्स पैसा चेन नहीं मिला है। वो लड़का ने मोनू का नाम लिया कि मोनू घुसा था। मोनू कौन है, कहाँ रहता? वही तो पकड़ा भी मोनू। अच्छा, ये कहाँ रहता है? वो भी रहता वही परिबस्ती में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कपाली ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर दुष्कर्मी हुआ फरार। कदमा फार्म एरिया में रिटायर्ड टाटा कर्मी के क्वार्टर में हुई चोरी, चोर लाखों रुपए के जेवरात लेकर हुए फरार। डिमना बस्ती बम कांड का मामला पकड़ रहा तुल, तथा कथित अभियुक्त के परिजनों ने एसपी से मिलकर उलीडी पुलिस की शिकायत। दूसरे दिन भी शहर के सभी बैंक रहे बंद, जरूरतमंद लोग रहे बेहाल। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.